मॉर्निंग। सो अभी जा रहे हैं मेरी कज़िन की शादी के लिए, और आज शादी है, सिंपल शादी है, जैसे गांव में सिंपल ही रहता है। आज सगाई है। सगाई है, कल गरबा रहेंगे, परसों शादी रहेगी, परसों ही शादी है। हाँ। तीन दिन में सब खत्म। और इसने आज ये सिंपल साड़ी पहनी क्योंकि अभी मतलब यहाँ पे गर्मी खतरनाक हो रही है। अराउंड कितना 45 डिग्री होगा तापमान दोपहर के आसपास, तो मतलब जितने सिंपल कपड़े पहनो गर्मी कम लगेगी, है कि नहीं? चलो फिर जाते हैं। और कल सुबह मांडवा है और परसों शादी है, इसकी वजह से ही हम थोड़ा ज्यादा रुके, वरना अभी तक तो हम पुणे चले गए होते। हाँ, नहीं तो इसके भाई की शादी के बाद जाना था, बट 10 दिन के गैप के बाद यहाँ पे थी शादी मेरी कजिन की। हाँ। तो सोचा ये करके जाते हैं। अभी भी हमें बहुत गर्मी हो रही है। हाँ। और हम लोग बहुत लेट है। तो ये मेरी ननंद तैयार हो गई है और मैं सबसे लेट आई हूँ, और ये इसकी मासी की लड़की है उषा। और दूसरी किधर गई? जेठानी जी भी रेडी है, मनीषा ये दोनों रेडी हो रही है, पता नहीं कब से रेडी हो रही है। बाय द वे इसके कर्ली हेयर थे, इसने केराटिन करवाया और सब मतलब खत्म हो गया अभी इसके हेयर का। हाँ, हाय बोल दो हमारा व्यूअर्स ने तो ले।
तो गाइस अभी हम लोग मेहंदी कर रहे हैं। मुझे इतनी मेहंदी करना आता नहीं है, बट मैंने मेरी भाई की शादी में मेहंदी की थी, तो मैं बस ये शगुन की मेहंदी कर रही हूँ और मेरी ननंद की मेहंदी अभी हो रही है। ये मेरी जेठ जी की लड़की है, वो मेहंदी कर रही है। काजल थोड़ा पास से शूट करो। तो गाइस यही है मेरा सोने का हार। मैं कीधूँ तो कि हूँ मारा नोड़न ना लगन में मारा सोना ना हार पहरी, तो ये वाला और ये इसके साथ सर भी है, बट वो मैंने नहीं डाली है। ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। मैंने ना बड़ी करवाई थी ये इयररिंग्स, क्योंकि मेरे फेस बहुत बड़ा है तो ये दिखती भी नहीं, अगर इतनी छोटी सी होती तो दिखती भी नहीं, इसलिए मैंने ये बड़े करवाए। और ये मेरा कटला तोला नो छे आरे मने न खबर तो को हाडा छो छो साडा छो तोला नो छे, કેમ કે ભારી આંકો છે, હાડા છ નો તો છે જ। ઓર સર ભી હૈ ઇસકે સાથ, બટ વો મેને ડાલી નહીં, વો ભી બહોત અચ્છી હૈ બટ મેને ડાલી નહીં હૈ। તમાર બે નહીં જો કરું હું ઓવા કામ કરસ તું સેવા સેવા તપતી ચુપતી ગરમી તમારા માટે હું કેટલી મહેનત કરું વેડિંગ હાઉસ વેડિંગ હાઉસ દુલ્હન કે ફૈબા તને એક વાત કહું, વિડીયો ચાલુ જ નહોતો થયો ત્યારે ભૂલાઈ ગયું, આમ ચાલુ કરતા જ ભૂલાઈ ગયું। હવે આ તો વારો નહીં, તમે હારી લ્યો
ડોલ ટાઈમ મુકતો ડોલ મુકતા જાવ બે મુકતા જાવ એકદમ આમાં પાણી ઠંડુ આવે બોલ મોઢું ધોઈ લેજો આમાં આમાં ગામની ગોરિયા गाँव की गोरी मेहनत कटली करवी पड़े विलेज थिंग्स जस्ट विलेज थिंग्स है ना गाइस पानी भरना पड़ रहा है गई ले क्या हूँ कोई कर माप पर औरी इम्ना को सो गाइस अभी हम लोग आए हैं हमारी वाड़ी कटकी वाड़ी पे आपने इसका व्लॉग देखा ही होगा और यहाँ से सनसेट हो रहा है अभी गांव में बहुत गर्मी लग रही थी तो हम लोग यहाँ पे आए हैं ना मस्त यहाँ पे मस्त ठंडी हवा चल रही है हम लोग थोड़ी देर के लिए आए हैं अभी जाएंगे फिर से घर पे कितना अच्छा कलर आ गया है ये मैंने सिर्फ 10 मिनट्स या 15 मिनट्स या फिर आधा घंटा शायद रखा है फिर भी इतना अच्छा कलर आ गया नीलेश मुझसे बहुत प्यार करता है लिपस्टिक का कलर कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया है मेरे से मेरा के ब्यूटी का काजल भी ख़त्म हो गया है आज लोकल काजल लगा रही हूँ आज मैं तो अभी हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे घर पे और शायद अभी इससे आगे मैं व्लॉग कर पाऊँ या ना कर पाऊँ इसलिए मैं बस एंड दे रही हूँ क्योंकि रात को तो शायद हम लोग सो ही जाने वाले हैं जल्दी क्योंकि कल सुबह बहुत जल्दी उठना है सो आज आपको थोड़ा मतलब अलग लगेगा कि मैंने पल्लू नहीं डाला है तो नीलेश ने घर से परमिशन ले दी कि भाई पल्लू नहीं डालेगी अभी इसे अंजू तो ये एक मतलब बहुत अच्छी मतलब अच्छा मैसेज जा रहा है मेरे व्यूअर्स को मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं बट मैं कुछ मतलब मैं नहीं बोली कुछ भी कि भाई चलो नहीं बट मैंने बस मस्ती में एक बार बस नीलेश को ऐसे बोला था कि मेरे पास इतने अच्छे कपड़े हैं बट मैं यहाँ पे नहीं मतलब पहन सकती तो बोले मैं माँ से बात करूँगा सो उसने बात की और परमिशन भी ले दी तो अभी से मैं पल्लू नहीं डालने वाली हूँ यहाँ पे तो मतलब मेरे लिए तो आज एक गिफ्ट हो गया एडवांस बर्थडे गिफ्ट मेरे लिए ये गिफ्ट ही है क्योंकि बहुत कुछ मैं स्टाइल नहीं कर सकती अगर मैं पल्लू डालूंगी तो क्योंकि मेरे मेन फीचर्स मेरे हेयर है तो मतलब वो ही दिखेंगे नहीं तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में ना वो कॉन्फिडेंट नहीं आता मैं अगर रेडी होती हूँ तो मेरे बाल खुले हो तो मतलब थोड़ा बहुत सबको तकलीफ होगी बट 2 दिन होगी सब भूल जाएंगे और सब यूज टू हो जाएंगे सो आज नीलेश ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है और हस्बैंड होने का फर्ज निभाया बहुत अच्छी तरीके से वैसे मतलब कैसे है कि गांव में वैसे लोग रखते हैं
मतलब जो गांव के लोग रहते हैं, बट आजकल मतलब जिसकी भी नई शादी हो रही है ज़्यादातर निकल रहे, मतलब नहीं रखते लोग, बट फिर भी जो पुराने लोग रहते हैं उनकी सोच भी ऐसे रहती है, ऐसा थोड़ा बताना पड़ता है। बस नीलेश ने बस आराम से बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे अभी मतलब ये पुराना पूरा पुरानी सोच हो गई है आपको मतलब। सो आई होप कि हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस आए और पल्लू डालना मतलब छोड़ दे लोग, क्योंकि अगर आपको मान सम्मान बड़े लोगों को देना है ऑब्वियसली आप वैसे भी दे सकते हो, वैसे पल्लू डालना ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है। कोई कोई ऐसा भी होता है पल्लू डालता है और अंदर से गालियाँ ही मिलती है सब लोगों को। सो या तो आज का ये मतलब लास्ट बहुत ही मतलब अच्छा मैसेज हम लोग दे रहे हैं, तो प्लीज़ अगर कोई भी मतलब देख रहा है तो मतलब इसके बारे में ज़रूर सोचना। और आज के लिए बस इतना ही, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बहुत सारे मतलब ब्लॉग आ गए हैं शादी वगैरह के, तो आप देख सकते हो, मैं लिंक या फिर एंड स्क्रीन में डाल दूँगी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।